ट्रेन से उतरते ही हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने मनीष कश्यप पर फूल बरसाए और कि क्या मनीष कश्यप अब बिहार रहेंगे या फिर बिहार से उनको तमिलनाडु फिर से भेज दिया जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप है जो अभी उनसे मिलकर आए हैं और मनीष कश्यप को बेतिया से पटना ले गया गया है। बाकी इन सारी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। ये बताइए कि आप लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब उनको बेतिया कोर्ट में पेश किया जाएगा, हालांकि वहां पर पेश किया गया, क्या कुछ अपडेट है? बार बार इंतजार नहीं, बार बार स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत बार हम लोग गए कोर्ट में, बार बार नोटिस मिला कि हाँ मनीष को रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन नहीं किया जा रहा था। लास्ट टाइम रिप्रेजेंट करना पड़ा राजपाल के हस्तक्षेप पे। फिर उसके बाद अभी दो कोर्ट में पेशी हुआ था। एक कोर्ट ने बोला कि हाँ जी आप बेतिया में आप इनकी इनको भेजा गया। फिर दूसरे कोर्ट में बोला कि 16 दिन का रिमांड दिया गया। फिर उसके बाद में पटना लेके गया गया। कल एक्चुअली वहाँ पे भी हायरिंग है, तो उसके बाद क्या होती है। काफी दिन बाद अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप कहीं ना कहीं बेतिया की धरती पर आए। मुलाकात करने में कोई खास परेशानी नहीं हुई, तो हम लोग भी प्रशासन का सहयोग ही कर रहे थे। हाँ, लेकिन मुलाकात हुई और सारे लगभग सारे बिहार के लोग आज रोए होंगे, लगभग बेतिया के सारे लोग आज मनीष का सब की आंखों में भी लगातार आंसू देखा जा सकता है। मतलब पहली बार काफी दिन बाद जब कोई ना भाई जो है कहीं ना कहीं अपने भाई को देखता है, माँ जो है एक बेटे को देखती इस प्रकार से। बिल्कुल, मेरी माँ को तो छोड़िए, बहुत ऐसे माताएं मिली मुझे जो रोते हुए आंखों में आंसू थी। मुझे भी लगा कि हाँ नहीं, एक माँ मनीष की नहीं है, हजारों माँ है। और जिस तरह समर्थन मिला, जिस तरह लोग आए, पुष्प वर्षा किए, फूलों से बारिश किए, अब लोगों को समझना होगा। चाहे जिनको लगता है कि मनीष सही काम नहीं किया है, उनको इस चीज को देखकर समझना होगा कि यहाँ क्यों इतने लोग पागल हैं, क्यों इतने कोर्ट परिसर में भी हजारों की भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई, लोग क्यों फूलों की बारिश कर रहे हैं, लोग क्यों मनीष का सब जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं, मनीष के पीछे क्यों जा रहे हैं, गाड़ी के पीछे भी जा रहे हैं। उन लोगों को समझना होगा कि यहाँ नहीं मनीष। अभी आप भाई से मिले हैं, एक फोटो सोशल मीडिया पर इस समय काफी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि मनीष कश्यप मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, साथ में आपकी माँ भी मुस्कुरा रही है। कई लोग सोच रहे थे कि मनीष कश्यप टूट गए होंगे, लेकिन मिलने के बाद क्या लगा है? मनीष मुस्कुरा रहा था, मेरी आंखों में भी आंसू थी, माँ के भी आंखों में आंसू थी। हम लोग वो सिरा कलेजा लेकर पैदा हुआ है, हमारे अंदर में उतनी नहीं है, मेरी माँ के अंदर में भी उतनी नहीं है, ताकत नहीं है। मिलने के बाद क्या कहा है उन्होंने? बस बोला कि आज अपना ख्याल रखना और सही से रहना, तुम्हारे पीछे भी लोग पड़ेंगे, तो अपना सिक्योरिटी लेके चलना, चाहे किसी के साथ चलना, अकेले मत जाना। और जिस तरह भीड़ मिली, और ये भी बोला कि हाँ जी ये सिर्फ मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ये जितने हजारों लोग। सोचिए कि कहीं ना कहीं अपने भाई से मिलकर आ रहे हैं और हर कोई इंतजार कर रहा था कि मनीष कश्यप का बेतिया में जो है कब पेशी होगा। हालांकि वो इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म हो गया और सुबह में ही बेतिया रेलवे स्टेशन पे मनीष कश्यप को लाया गया, जहां पर हजारों की संख्या में उनके जो चाहने वाले हैं वो पहुंचे और फूल माला से कहीं ना कहीं स्वागत किया गया। अब यहाँ से मतलब आपकी आंखों में भी लगातार देखा जाए भाई से मिलने के बाद।